हेलो गाइस वेलकम टू अवर चैनल डी के फार्मा ट्यूटोरियल गाइस तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलर गाइस तो आप तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तो गाइस कंजेस्टिव हार्ट फेलर को समझने से पहले हम एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर कर लेते हैं तो कंजेस्टिव हार्ट फेलर जो है नाम से ही क्लियर है कि हार्ट में कंजेशन हो जा रहा है जिसके कारण वो फेल हो जा रहा है तो इसको हम समझते हैं जैसे कि गाइस आप एक स्टूडेंट है आपका काम है कि पढ़ाई करके आपको पास होना है लेकिन आप पास नहीं हो रहे हो फेल हो रहे हो तो आपको हम बोलते हैं फेलवर या लोग बोलते हैं फेलवर करके तो बस वैसे ही गाइस हार्ट का, का काम क्या है कि वो पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है पंप करता है तो हार्ट जो है ब्लड को पंप नहीं कर पाता है उसको उसके कारण उसको बोलेंगे हम फेलवर तो ये हार्ट क्यों फेल हो रहा है क्योंकि हार्ट में कंजेशन हो जा रहा है तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलवर तो आइए समझते हैं हम इस टॉपिक को इसका बेसिक डेफिनेशन है इट इज़ अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव कंडीशन दैट अफेक्ट पंपिंग पावर ऑफ अवर हार्ट तो कंजेस्टिव हार्ट फेलवर एक क्रोनिक एंड प्रोग्रेसिव कंडीशन है जो कि हमारे हार्ट के जो पंपिंग पावर होती है उसको अफेक्ट कर देता है इन कंजेस्टिव हार्ट फेलवर देयर इज़ अ और इनएफिशिएंट कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट लीड टू रिड्यूस कार्डियक आउटपुट तो जैसे कि गाइस हमने अभी डिस्कस किया कि कंजेस्टिव हार्ट फेलवर के केस में हमारा जो हार्ट है उसमें प्रॉपरली कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो पाता है जिसके कारण कार्डियक आउटपुट जो है वो रिड्यूस हो जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलवर में प्राइमरी ड्यू टू सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक डिस्फंक्शन तो कंजेस्टिव तो हार्ट फेलवर जो है सिस्टोलिक और डिस्टोलिक डिस्फंक्शन के कारण होता है तो इसको हम समझते हैं एक डायग्राम से तो ये हमारा हार्ट है ये इसका लेफ्ट वेंट्रिकल्स राइट वेंट्रिकल्स लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम तो हार्ट का मेन काम क्या है कि ये पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है तो इनकेस अगर हार्ट इस काम को नहीं कर पा रहा है तो उसको बोलेंगे हम फेलवर तो जैसे कि सिस्टोल सिस्टोल का मतलब क्या होता है कि जब हमारा वेंट्रिकल्स उसमें कॉन्ट्रेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं सिस्टोल डाइस्टोल डाइस्टल मतलब जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फिर से रिलैक्स कंडीशन में आता है तो उसको बोलते हैं हम डाइस्टोल तो कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर में अगर प्रॉपरली हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रहा है या रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है तो उसी के कारण कंजेस्टिव हार्ट फेलर हो रहा है उसी को बोलते हैं हम सिस्टोल एंड डाइस्टोल डिसफंक्शन तो यही मेन रीज़न है कंजेस्टिव हार्ट फेलवर का कि प्रॉपरली हार्ट में जो है कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो पा रहा है और रिलेक्शन नहीं हो रिलेक्शेसन नहीं हो पा रहा है जिसके कारण हार्ट में ब्लड का कंजेशन हो जा रहा है इसी को बोलेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलवर कंजेस्टिव हार्ट फेलवर मेनली टू टाइप्स के होते हैं सिस्टोलिक कंजेस्टिव हार्ट फेलवर एंड डाइस्टोलिक कंजेस्टिव हार्ट फेलवर सिस्टोलिक कंजेस्टिव हार्ट फेलवर ये तब होता है जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है इनअ फोर्स के साथ मतलब जिस फोर्स मतलब जैसे कि पूरे बॉडी में हार्ट को ब्लड को सर्कुलेट करना है तो उसको एक इनअ फोर्स के साथ जो है हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन करना पड़ेगा तभी पूरे बॉडी में ब्लड का सप्लाई होगा तो हार्ट प्रॉपरली सिस्टॉल नहीं हो पाता है जिसके कारण ब्लड का कंजेशन हो जाता है सेकेंड है डिस्टॉल डिस्फंक्शन या डिस्टॉलिक कंजेस्टिव हार्ट फेल्वर ये तब होता है जब हमारा हार्ट जो है स्टिफ हो जाता है और उसके कारण रिलैक्सेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है तो उसके हम हु, बोलते हैं डिस्टॉलिक कंजेस्टिव हार्ट फेल्वर सेकेंड है स्टेज ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलवर तो कंजेस्टिव हार्ट फेलवर के मेनली फोर स्टेज होते हैं स्टेज वन में इसमें कार्डियक डिसीज तो रहता है लेकिन इसका कोई भी सिम्टम एंड लिमिटेशन जो है वो शो नहीं होता है ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी सेकेंड है स्टेज सेकेंड तो सेकेंड स्टेज में हमको कुछ सिम्टम्स uh, जो है शो होते हैं और कुछ जो लिमिटेशंस भी इसके शो होते हैं स्टेज थर्ड इसमें सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस जो है शो होते हैं और कंफर्टेबल होता है ओनली रेस्ट कंडीशन में मतलब अगर हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उस कंडीशन में हमको प्रॉब्लम्स आती है ओनली रेस्ट कंडीशन में ही कंफर्टेबल रहते हैं फोर्थ स्टेज है इसमें सीवियर लिमिट लिमिटेशन जो है शो होते हैं और इसमें अगर हम रेस्ट कंडीशन में भी हैं तब भी हमको सिम्टम जो है शो होते हैं तो ये थे फोर स्टेप ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलवर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलवर तो इसमें है साइनम सिम्टम्स जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रिथ फटिक्स मतलब बहुत ज़्यादा थकान होगी वीकनेस आएगी रैपिड एंड इरेगुलर हार्ट बीट मतलब हार्ट बीट जो है रैपिड होगा और इरेगुलर होगा फोर्थ है स्वेलिंग इन लेग्स एंकल्स एंड फिट तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम थे कंजेस्टिव हार्ट फेलवर के अब है इटियोलॉजी मतलब मेन रीज़न क्या है कंजेस्टिव हार्ट फेलवर का उसको हम देखते हैं कोरोनरी अर्टरी डिस हाई ब्लड प्रेशर माओकार्डाइटिस तो ये मेन रीज़न है कंजेस्टिव हार्ट फेल्वर होने के कॉम्प्लिकेशन ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेल्वर प्यूरल इन्फ्यूजन, डाइसरेथमियास एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर थ्रोम्बस हेपेटोमे एक्यूट पल्मोनरी एडेमा तो ये जो प्रॉब्लम्स जो है वो कंजेस्टिव हार्ट फेलवर के कारण होती है अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलोर तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था इसके एटियोलॉजी में तो कोरोनरी आर्टरी के कारण हमको कंजेस्टिव हार्ट फेलोअर होती है तो कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है कोई भी फैटी फ्लैंग जो है ब्लड वेसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है जिसके कारण वो क्लॉग हो जाता है हमारी आर्टरी जो है क्लॉग हो जाती है मतलब उसमें ब्लॉकेज आ जाएगी तो ब्लॉकेज आ जाएगी तो ब्लड जो है वो प्रॉपरली बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाएगा इन केस ऑफ हाइपर टेंशन नैरो आर्टरीज मतलब हमारी जो आर्टरीज है वो नैरो हो जाती है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाती है जिसके कारण ब्लड का जो है प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाएगा हमारे बॉडी में तो इसके कारण क्या होगा आफ्टर लोड जो है इंक्रीज हो जाएगा तो गाइस आफ्टर लोड क्या होता है आफ्टर लोड प्रेशर रिक्वायर्ड टू इजेक्ट ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स मतलब वेंट्रिकल से ब्लड को इजेक्ट करने के लिए जितना प्रेशर रिक्वायर्ड होता है उसको हम बोलते हैं आफ्टर लोड तो आफ्टर लोड इंक्रीज हो जाएगा आफ्टर लोड इंक्रीज़ होगा उसके कारण क्या होगा हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम मीन्स ब्लड पंप इच बिट मतलब हार्ट के एक बिट में जितना ब्लड पंप होता है उसको बोलते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम तो अगर स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है तो कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज़ हो जाएगा कार्डियक आउटपुट क्या होता है ब्लड पंप इच मिनट मतलब एक मिनट में जितना ब्लड पंप हो रहा है हमारे हार्ट से उसको बोलते हैं हम कार्डियक आउटपुट तो हमारा हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा अगर कार्डियक आउटपुट जो है डिक्रीज होगा तो तो इसका कारण क्या होगा इसका इफ़ेक्ट हमारे किडनी पे होगा तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था जब किडनी पे इसका इफेक्ट हो, होता है तो किडनी रेडिन को रिलीज करता है अपने जेक्स्ट्राग्लोमुलर सेल से तो वो एनजोटेंसिनो को एनजियोटेंशन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की प्रेजेंट में एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होता है फिर एंजियोटेंसिन सेकंड एल्डोस्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है फिर ये सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन करता है और जब हमारा कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा तो उसमें ब्लड का वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाएगा हमारे हार्ट में तो अगर उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है तो वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश करेगा जैसे कि गाइस हम गुब्बारा में जब उसमें पानी भरते हैं तो उसका जो साइज़ है जब स्टार्टिंग में स्मॉल रहता है लेकिन जैसे जैसे हम उसमें पानी भरते हैं तो उसमें मतलब वाटर का कंसनट्रेशन ज़्यादा होते जाता है और वो गुब्बारा जो है उसका साइज़ बढ़ते जाता है तो वैसे ही अगर हार्ट में ब्लड का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा तो वो भी अपना स्ट्रक्चर जो है चेंज करने का कोशिश करेगा अपने मतलब वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए तो ये था पैथोफिजोलॉजी ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलर तो गाइस आपको ये वीडियो समझ में आया होगा थैंक यू